सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम सब आज हम सभी के प्रिय आदरणीय महाशय धर्मपाल जी के साथ उनके कार्यालय में कीर्तिनगर के कार्यालय में बैठ करके और समाज के कार्यों के प्रति चर्चा करने में संलग्न है। हमारे साथ पूर्णतः स्वस्थ और हंसते हंसाते आदरणीय महाशय धर्मपाल जी अभी अभी भोजन करके आप हम सबके बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अफवाहें जो कभी कभी सोशल मीडिया का नाजायज लाभ उठा करके डाल दी जाती है उनसे बचें और सब जनता को इसके प्रति आगाह भी करें। हम सबके प्रेरक और हम सभी के प्रेरणा देने वाले निरंतर आदरणीय महाशय धर्मपाल जी पूर्णतः स्वस्थ रहते। देखिए आप एक बार महाशय धर्मपाल इस समय कितने इस समय प्रसन्न मुद्रा में है और प्रसन्नता के साथ साथ पूरी तरह से कार्य करने की इच्छा उनके अभी हृदय में। आदरणीय श्रीमान विनोद बिंदल जी जो कि इस आदरणीय महाशय जी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, आदरणीय सुशील जी, आदरणीय सुभाष जी और आदरणीय भाई राजेंद्र कुमार जी एमडीएच परिवार के मीडिया हेड हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और मैं स्वयं। तो मैं इस वीडियो को केवल आप सभी के बीच इसीलिए भेज रहा हूं कि इस प्रकार के फोन पूरे देश से आए और इस बात का हमें दुख है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि उनका आशीर्वाद निरंतर प्रसन्न मुद्रा में हम सबको मिल रहा है और आज भी वो पूर्णतया स्वस्थ है। उनकी दीर्घायु की हम सब कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको बहुत लंबी दीर्घायु दे और इस बैड न्यूज वालों से बचें। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप जितने लोगों तक भेज सकें उन लोगों तक आप इस वीडियो को अवश्य ही भेजें और उस व्यक्ति का यदि पता लगा सके तो जरूर लगाएं। परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे जिसने इस प्रकार का वीडियो पोस्ट करके केवल अपने कुछ छोटे से क्षणिक लाभ के लिए शायद उसने इस वीडियो का उपयोग किया है। तो महाशय जी उसको भी अपना आशीर्वाद देते हैं कि परमात्मा उसको भी स्वस्थ रखे। धन्यवाद।